हे हाय डियर फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक मेरे न्यू वीडियो में। और मैं हूँ सीएमए रोहन शर्मा, आपका होस्ट एंड मेंटर। मेरे साथ है हिमांशु गर्ग। हिमांशु ने रिसेंटली सीएमए क्वालिफाई किया है और कैंपस में एनबीसीसी पीएसयू में इनका सिलेक्शन हुआ है और अभी पोस्टेड भी दिल्ली में। और बेसिकली हिमांशु हरियाणा से है, तो सुनते हैं हिमांशु की जर्नी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स हिमांशु कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड How was your feeling like after getting the offer? जब आपको ऑफर मिला वो फील कैसा था आपके लिए? बहुत अच्छा था सर, बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक जो एम था वो अचीव हुआ था बिकॉज ऑफ यू ओनली। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा आपने, तो सब कुछ अच्छा था। दिल्ली में मिल गया सबसे अच्छा वो था, आपके पास मिल गया। राइट राइट। तो अच्छा हिमांशु, जो मैंने आपको मेंटरशिप की, आई थिंक हमने एक महीने के अप्रॉक्स हमने साथ में डेली काम किया सारी स्किल्स के ऊपर, तो आपको कैसा लगा? इतना सपोर्ट कोई करता नहीं है। कोई अगर क्लासेस भी है या कोई भी अदर मेरे फ्रेंड्स कहीं और से मिले, और उन्होंने कितना सपोर्ट कहीं से मिला नहीं होगा। इतनी अच्छी गाइडेंस हर डेली की डेली, आपके माइंड में जो भी छोटे से लेके बड़ा कोई भी क्वेश्चन आता है आप डेली रिजॉल्व करते थे एट दैट पॉइंट ओनली। कि एज अ पर्सनल टीचर, एक तरह का हर पर्सन का अलग टीचर ऐसा फील आ रहा था कि कोई ऐसे क्लास को ऐसा नहीं कर रहा था कि मेरा पर्सनली है, बस जो पूछना वही बता देगा पर्सनली। और थैंक्स, ये बहुत अलग चीज होती है कि सबसे डिफरेंशिएशन जो करता है एक टीचर में। या डेफिनेटली, एक्चुअली हर किसी के रिक्वायरमेंट अलग है, हर किसी के वीकनेस अलग है, हर किसी के स्ट्रेंथ अलग है, तो हमें उस अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स पे काम करना चाहिए कि वो सब इम्प्रूव हो सके और वो जो चाहते हैं वो उनको मिल सके। तो बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं आपके सीएमए जर्नी के बारे में। तो आपने लाइक सीएमए कोर्स को ज्वाइन करने का कैसे सोचा और आपको कैसे पता चला? मैं बीकॉम प्रोग्राम करा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, और स्टार्ट में रेगुलर कॉलेज था मेरा। 2018 में मैंने ज्वाइन करा, तो वहाँ पे मैं गया आराम से। मेरे को ऐसा था कि अगर कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए, तो मैंने एक सेमेस्टर अपना वहाँ पे ज्वाइन करा। बट वहाँ पे कुछ होता ही नहीं था, जाते थे आराम से, बैठते थे खाली और आ जाते थे। तो फिर मेरे को लगा कि ये तो टाइम वेस्ट ही है एक तरह का। तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट करा कि मैं इसके साथ साथ क्या कर सकता हूँ। तो फिर एक मेरा फ्रेंड था जो परस्यू कर रहा था सीएमए उस टाइम, तो उसने मेरे को सजेस्ट करा कि ये कर सकता है और बीकॉम के साथ साथ हो जाएगी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस का भी इतना कोई चक्कर रहता नहीं है रेगुलर कॉलेज में भी। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट करा अपना। 2019 जून में मैंने अपना फाउंडेशन दिया था। ओके, तो बाई गॉड ग्रेस वो क्लियर हो गया। अच्छा, फर्स्ट टाइम में आपने अपने फाउंडेशन क्लियर किया। अच्छा, देन इंटरमीडिएट के लिए फिर, अच्छा फाउंडेशन में आपने क्लासेस ली थी और बाय सेल्फ ही आपने कर लिया था? सेल्फ ही था वो, क्लासेस ली थी मैंने बट मैं ज़्यादा जाता नहीं था वहाँ पे भी। ओके, ओरल क्लासेस लिया था राइट? नहीं नहीं लक्ष्मीनगर से ली थी। अच्छा अच्छा, ओके लिया था बट ऐसा ही था वो भी। ओके, सो देन सेल्फ ही कर ली। इंटरमीडिएट में जब आप गए, तो क्या इंटरमीडिएट में भी आपने उसी अप्रोच को फॉलो किया या फिर आपने कुछ चेंजेस किए थे अपने अप्रोच में? नहीं नहीं, पहले मैं जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेज में जाता था, तो मैं हडसन लेन जी टी बी नगर रहता था, इट वॉज नियर टू नॉर्थ कैंपस। तो फाउंडेशन मैं वहीं से ट्रैवल कर लेता था, वीक में एक आधी बार आता था तो आ जाता था, वरना नहीं आता क्लासेस के लिए। बट जब मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया तो फिर मैं लक्ष्मी नगर ही शिफ्ट हो गया। अच्छा, क्योंकि डेली क्लासेस होती थी और सारे सारे दिन क्लासेस होती थी, तो पॉसिबल नहीं था मैं वहाँ से ट्रैवल कर पाऊँ, तो मैं लक्ष्मीनगर ही शिफ्ट हो गया। ओके, उसके बाद तो रेगुलर, एक ऐसा कोई भी हुआ नहीं कि मैंने ज़्यादा क्लासेस मिस करी हो। ओके, सो इंटरमीडिएट आप बोथ ग्रुप के लिए आप गए थे देन या फिर सिंगल सिंगल के लिए? बोथ ग्रुप के लिए मैं गया था। ओके, मेरा 2020 जून में अटेम्प्ट था एक साल बाद ही, बट वो कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो फिर मैंने दिसंबर में किया। ओके, सो बोथ थ्रू फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया राइट? हाँ जी। तो आपकी लाइक जो स्ट्रेटजी होती है लास्ट टू मंथ में रिवीजन के लिए, तो आपका क्या किस तरीके से प्लान रहता था बेसिकली रिवीजन के लिए? जितनी जल्दी क्लास हो सके उतनी जल्दी क्लास खत्म करो, और जितने ज्यादा रिवीजन हो सके उतने ज्यादा रिवीजन करो। सिंपल स्ट्रेटजी, ऐसा कोई मैं स्ट्रेटजी वीडियोस या कुछ भी, मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं ज्यादा देखता, कुछ नहीं वैसे करता मैं अपना, जैसे अच्छा लगे वैसा पढ़ो। और
सो बेसिकली ये मेरा भी यही फंडा था कि जैसे अगर मैं दिसंबर में पेपर दे रहा हूँ तो अगस्त तक मेरे क्लासेस ख़त्म हो जाना चाहिए कि मेरे पास 3 महीने का टाइम हो अप्रोक्स कि मैं अच्छे से रिविजन कर सकूँ. तो मेन मोटो. अच्छा नेक्स्ट ये कि लाइक 8 पेपर कंटिन्यूसली आपके एग्जाम होते हैं, तो उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? उन 8 डेज में तो ऐसा लगता था कि पता ही नहीं चला कि ये भी है, चल ही रहा था बस, सुबह उठो पेपर दो, फिर अगले टाइम की अगले एग्ज़ाम की रिवीजन भी नहीं हो पाती थी, फिर पेपर आ जाता था. तो बेसिकली यही था कि पहले जितना पढ़ाई कर ली थी उन 8 दिनों में तो कुछ नहीं, बस देना ही था. वो एग्ज़ाम का ही प्रेशर था कि पढ़ नहीं पा रहे और सो नहीं पा रहे और कुछ भी, मतलब वो बस 8 दिन ऐसा होता है कि निकल जाए, बस अच्छा जाए गंदा जाए निकल जाए, बस ख़त्म हो जाए. राइट. अच्छा देन आफ्टर जब आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, देन आपको पता चला कि आपने बोथ ग्रुप क्वालिफाई किया है, सो वो मोमेंट फिर आपके लिए कैसा था? उस मोमेंट पे मैं तो वेकेशंस पे गया हुआ था, गोवा मैं गोवा में था. ओके. और चिल थे, ज़्यादा प्रेशर था नहीं. उसके बाद प्रेशर आया क्वालिफाई होने के बाद कि अब क्या करना है, कि एग्जाम की तैयारी करनी है या इंटर्नशिप करनी है या क्या करना है. राइट. तो फैमिली वालों के लिए भी सही था, सब अच्छा था, बहुत चिल थे. Okay. ऐसे प्रेशराइज्ड नहीं था क्योंकि एग्जाम अच्छे हो तो प्रेशर होता नहीं है ज़्यादा. ये तो है डेफिनेटली, और फैमिली का सपोर्ट इम्पोर्टेंट होता है प्रोफेशनल कोर्सेज में. सो द नेक्स्ट थिंग, आपके पास इंटर्नशिप और फाइनल की स्टडी दोनों थी आपके साथ, तो आपने कैसे इन दोनों चीज़ों को मैनेज करके अपने फर्दर फाइनल की प्रिपरेशन की? मैंने अपना बोथ ग्रुप दिया था इंटर में, तो उससे ये पता चला मेरे को कि मैं फाइनल में भी बोथ ग्रुप तो दे सकता हूँ, ऐसा कोई इशू तो है नहीं है. बट मैंने वो छोड़ के मैंने अपने प्रोफेशनल करियर पे कि थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लूँ, तो इस वजह से मैंने इंटर्नशिप, वो भी ऐसे जगह से इंटर्नशिप जो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन प्रोफेशनल हैं और Right. बहुत ही ज़्यादा टफ इंटर्नशिप कहते हैं उसको CMA प्रोफेशन में, जितेंद्र नवनीतन कंपनी से करी थी मैंने, CMA फॉर्म से. राइट. वहाँ पे अगर 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो 2 ही रहते हैं, 8 तो चले जाते हैं. ये तो है डेफिनेटली, मैंने भी सुना है काफ़ी लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी होते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में. और आप वहाँ पे काम कर लिए, मतलब फ्यूचर में आप कहीं भी कितने भी प्रेशर आपके लाइफ में है आप उसको हैंडल कर सकते हो. बिल्कुल. तो जब आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे थे, देन आपके साथ फाइनल की जो स्टडी भी थी, तो आप उसको कैसे मैनेज कर पा रहे थे, या फिर आप क्या प्लान कर रहे थे कि कैसे मुझे क्लासेस लेनी है फिर एग्जाम भी देना है? हमारा जो वर्किंग आवर्स थे वो आने के डिफाइन थे, जाने के डिफाइन नहीं थे. ठीक है, तो फिर रेगुलर स्टडीज पॉसिबल थी नहीं क्योंकि हम ऑडिट पे भी जाते थे, तो आउट ऑफ स्टेशन में ओडिशा भी रहा हूँ इतने टाइम, और मतलब बाहर भी जाना पड़ जाता था, कोई ऐसे नॉर्मल था वो. तो एक जो फ्लो बनता है ना कि रेगुलर मैं 6 बजे आ जाऊँगा, 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊँगा और फिर आके पढ़ूँगा, तो वो था नहीं. तो मैंने जून 2022 में एग्ज़ाम दिए थे अपने ग्रुप 3 के, तो उससे पहले मैंने 4 महीने की छुट्टी ली थी, लीव ली थी, उसमें ही मैंने पढ़ा था. इंटर्नशिप के साथ साथ पढ़ाई नहीं हुई थी बिल्कुल भी. इंटर्नशिप से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैंने एक सब्जेक्ट की क्लासेस ली थी कॉस्टिंग की, और लीव्स में मैंने क्लासेस ली और रिवीजन करी, बस ऐसा कुछ. मैं इंटर्नशिप के साथ नहीं पढ़ पाया बिल्कुल भी नहीं, जीरो जीरो. सो इंटर्नशिप जब आपने कंप्लीट, आपने कितने टाइम के लिए आपने इंटर्नशिप किया था? 15 मंथ के लिए? हाँ अप्रोक्सीमेटली. ओके. मैंने स्टार्ट करी थी अपनी जून 2021 में, और मेरी कंप्लीट हुई थी नवंबर में, मैंने नेक्स्ट कंपनी में ज्वाइन करा था. आपने ग्रुप 4 दिया, और आफ्टर दैट जब आपका रिजल्ट आया मॉर्निंग में, 26 सितंबर था राइट, जिस दिन रिजल्ट आया था, तो उस दिन क्या एटमॉस्फेयर था आपके लाइफ का, क्योंकि वो सबसे लास्ट मोमेंट था CMA जर्नी के लिए आपका?
मैं रेगुलर जॉब में ही था, तो सुबह 7 बजे मैं तो आराम से सोया हुआ था, फ़ोन पे फ़ोन, और फ्रेंड्स के और ऑफिस में जो क्लिक्स थे उनके फ़ोन आए, तो जाके मेरे को पता चला कि हाँ क्लियर हो गया। तो उसके बाद भी मैं ऑफिस में भी गया था, सबने सेलिब्रेट करा, ऑफिस में सेलिब्रेट करा। मैं चंडीगढ़ में था, घर से दूर था, घर पे नहीं था मैं, घर का अलग रिएक्शन होता कुलीग्स का और मेरे मैनेजर का अलग रिएक्शन था, तो वो भी बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था। अच्छा, जब मेरे ग्रुप आप बोलो ग्रुप 3 का जब मेरा रिजल्ट आया था, तो मैं दिल्ली में था इंटर्नशिप पे, ऑफिस में था तब मैं, वो अलग एक्सपीरियंस था। वहाँ पे भी सारे CMA के ही कुलीग्स थे। और ग्रुप 4 का जब आया, मैं अपने चंडीगढ़ में रेगुलर ऑफिस में था। ओके, मैं ये सोच रहा था कि लाइक जब आपका ग्रुप 4 का रिजल्ट आया, तो आपका मैनेजर ये तो नहीं सोच रहा था कि अब मेरे को छोड़ के चला जाएगा? तो जब मैं 15 डेज की जो ट्रेनिंग होती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, वहाँ पे भी जब मैं आया था, तो ये बोल के आया था, ये नहीं बता के आया था कि कैंपस के लिए होती है, ये कैंपस के लिए कंपलसरी होती है। मैं कहता हूँ CMA के लिए कंपलसरी होती है, तभी आपको डिग्री देंगे। ओके, सो लाइक आपने रिजल्ट आया, क्वालिफाई किया, फिर आपके NBCC में भी सिलेक्शन हुआ, एंड इसके अलावा आपका कैंपस में लाइक वेदांता में भी आपके शॉर्ट लिस्टिंग थी। तो मेरा ये पूछना है कि लाइक जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड किए, क्या वो सफिशिएंट है, या फिर मुझे भी अभी कुछ ऐड ऑन मैं उसमें कर सकता हूँ? सर, मैंने तो और कहीं से कुछ पढ़ा नहीं था। मैं अपना पर्सनली बता सकता हूँ कि मेरे को तो सफिशिएंट से भी ज़्यादा लगा, इतनी बुक्स और इतना कंटेंट था कि वो ही कर लो, वही सफिशिएंट है। विद इन अ मंथ हमारे रिजल्ट के बाद, विद इन अ मंथ दिल्ली कैंपस हो गया था, तो विद इन अ मंथ हम इतना सब मैंने कर लिया, वही बहुत बड़ी कि इतना सारा कंटेंट कवर करना ही एक बड़ा टास्क था, और कोई सब्जेक्ट या और कोई पर्सनल चीज़ तो देखने का टाइम भी नहीं होता। और आपका कंटेंट इतना ज़्यादा सफिशिएंट, ओवर सफिशिएंट था कि हर इंडेक्स सब कुछ डिफाइंड, बेसिक से लेके प्रोफेशनल तक, जो भी CMH फाउंडेशन से लेके फाइनल तक जो भी आपने पढ़ा, बेसिक्स, क्योंकि कैंपस में बेसिक्स ही पूछते हैं, कोई ऐसा वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व तो करवाएंगे नहीं, तो ओवर सफिशिएंट, ओवर ज़्यादा ही कंटेंट था, थोड़ा उसको और कम कर दो बच्चों के लिए ईजी रहेगा। अच्छा, उसके लैंग्वेज आपको कैसा लगा, बुक की जो लैंग्वेज थी लाइक विथ एग्जाम्पल्स एंड ऑल, आपको अच्छा लगा पढ़ने में? बहुत बहुत हेल्पफुल था, इससे ज़्यादा हेल्प कोई कर नहीं सकता। मैं तो यही कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा हेल्प जिससे, मतलब कैंपस में अगर आपसे कोई क्लास ले ले, तो उसका सिलेक्शन होना 100% है। शायद इस बार भी 100% ही गया हमारा, लास्ट बार भी 100% ही था। राइट, सो बड़ा एग्जाम्पल क्या है। अच्छा, आपको जिसने रेफर किया था, अपूर्व का आपने नाम बताया था, आपने उसको बाद में थैंक यू बोला? अपूर्व मेरा नॉन था, रेफर तो मेरे को एक और फ्रेंड ने करा था, पीयूष ने। अच्छा, अपूर्व भी फ्रेंड था, उससे भी बात हुई थी। ओके, उसी की वजह से, वरना मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, मेरे को पता भी नहीं था कोई ऐसा होता भी है, तो उसने बोला कि हाँ यहाँ पे ट्राई कर सकता है, तो अच्छा वो एक्सपीरियंस रहेगा। ओके, तो अच्छा रहा अभी नेक्स्ट। सो अभी आपने अप्रोक्स 1 month सुपर हो चुके हैं आपके NBCC में, राइट? यस। तो लाइक कैसा फील हो रहा है आप दिल्ली, उनके साथ हेड ऑफिस है NBCC का दिल्ली हेड ऑफिस, तो लाइक हेड ऑफिस का एक एनवायरनमेंट अलग होता है, राइट? तो कैसा फील हो रहा है? एक नया चैलेंज है, क्योंकि अच्छा, वैसे अंदर से तो अच्छा लगता है कि हाँ एक क्वालिफाई हुआ, अच्छी प्लेसमेंट हुई, बट कभी ये नहीं आया कि हाँ हो गया अब ख़त्म, कि अब ये नया चैलेंज है वहाँ पे जाकर अडॉप्ट करना, काम करना, अच्छा सब बढ़िया। ग्रेट, सो अभी आप कुछ यंग सेम एज के लिए आप सजेशन देना चाहते हो जो बनने वाले हैं? यही सजेशन है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आराम से जितना, मैं तो माइंड फ्री रहता हूँ, मैं आपको बताइए कैंपस में भी माइंड फ्री था बिल्कुल, एक इंटरव्यू देके ये था कि अगले इंटरव्यू के लिए भी ये भी कर लेते हैं, क्या पता क्या हो जाए। चिल रहो, आराम से रहो, इंटरव्यू में प्रेशर लोगे तो वो ज़्यादा ख़राब है, बिना प्रेशर के चिल रह के दोगे तो वो, मैं आराम से पीछे बैठता था, कोई ऐसे टेंशन नहीं लेता था, आराम से बिना टेंशन के रहोगे तो एग्ज़ाम भी क्लियर होते हैं और इंटरव्यू भी क्लियर हो, ज़्यादा प्रेशर की और से क्या कंपैरिजन, नो सब मत करो, और मैं आराम से जितना तुम्हारे से होता है उतना नहीं करो।
अच्छा आपने पहले भी, मैं कुछ बच्चों को बता देना चाहता हूँ, लाइक हिमांशु ने ऑलरेडी इंटर क्वालिफाइड होने के बावजूद जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ था देन उनके बाद भी इन्होंने एक आईटी कंपनी में ऑलरेडी जॉब की थी, तो लाइक बींग ए सेमी क्वालिफाइड भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं और आप कहीं भी आप जा सकते हैं। हिमांशु आप इस पॉइंट को भी थोड़ा ईजिली हाईलाइट कर, ईजिली कोई अच्छी जगह से इंटर्नशिप करके आप कहीं भी जॉब ले सकते हो, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है और अच्छे पैसे मिलते हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 2,000 रुपये जैसे इंटर्नशिप में मिलेंगे उतने में है, अच्छे पैकेज में जा सकते हैं आप, कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ की भी। अगर किसी का मतलब फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और प्रेशर रहता है फैमिली की तरफ से कि इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, और होते हैं बहुत, मतलब मैंने अपने ऐसे ही कर ली थी, मेरा कोई ऐसा था नहीं, मैं तो ऐसे ही कि एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो NBCC में इतने सारे रैंकर्स थे, मेरे मार्क्स के बेस पे या उस वे बेस पे सिलेक्शन नहीं हुई, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे सिलेक्शन हुई, क्योंकि वहाँ पे रैंकर्स भी थे सब कुछ था, मेरे नॉन रैंक थे, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था बट सिंगल सिंगल ग्रुप दिया था फाइनल में, तो एक्सपीरियंस लोगे तो वो कैंपस में बहुत काम आता है, मेरा तो एक्सपीरियंस ही काम आया है। राइट, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं तो, मैंने इंटर में बहुत ग्रुप दिया था, फाइनल में भी मैं बहुत दे सकता था, एक सिंपल सी डमी भी बनवाते हैं बच्चे या कुछ भी, बट मैंने एक्सपीरियंस लेना प्रेफर करा कि काम करते हैं काम सीखते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, उसके साथ साथ पढ़ाई करो। अच्छा आपने लाइक फॉर्म में भी काम किया और आपने MNCs में भी काम किया, तो लाइक बीइंग ए फ्रेशर अगर कोई इंटर क्वालिफाइड है तो आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो पहले डायरेक्टली फॉर्म में जाए या फिर वो कंपनी में भी डायरेक्टली जा सकता है, क्या अच्छा रहेगा? फॉर्म में जाए तो फॉर्म ऐसी हो कि मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, आपका वर्क प्रेशर के ना उसमें कि वर्क अच्छा से काए, खाली बैठने हैं तो फिर तो कहीं भी बैठ जाओ, बट फर्म हो तो ऐसी हो कि काम बहुत अच्छे से इन डेप्थ सिखाए, और उसके बाद अगर तुमने फर्म में कर लिया तो कोई रिस्ट्रिक्शन होती ही नहीं है, तो MNC में जाओ आप या गवर्नमेंट कंपनी में जाओ या प्राइवेट कंपनी में जाओ, कहीं मर्जी जा सकते हो, कोई इशू नहीं आता उसके बाद। फर्म हो तो अच्छी हो, वरना इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप भी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होती है, वो भी बेस्ट है, वो पर्सनल चॉइस होती है अच्छी खराब, तो क्योंकि जो मेरे साथ सिलेक्शन हुए हैं उन सब ने इंटर्नशिप कर रखी थी, सिर्फ मैंने ही फॉर्म करी है, तो वो कोई है नहीं है कि तुम्हें फॉर्म से ही करनी है या इंडस्ट्रियल से ही करनी है, इंडस्ट्रियल अच्छी मिल रही है और तुम्हारा मन है इंडस्ट्रियल में, क्योंकि उसका एक्सपोजर अलग है, फॉर्म का एक्सपोजर अलग है, फॉर्म में तुम्हें ए से बी सब दिखाएंगे, फॉर्म में प्रेशर होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में प्रेशर है। सो बेसिकली थोड़ा सा ये भी होता है जिनको फाइनेंशियल चैलेंजेस है वो फिर डायरेक्टली इंडस्ट्रियल में भी जा सकते हैं, अदरवाइज अगर उनको ऐसा कोई इशू नहीं है तो फिर फॉर्म में जा सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। तो थैंक्स हिमांशु कि आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर किया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, कि आप बहुत अचीवमेंट आगे आप लेते रहो, एंड फिर से हम आपको इन्वाइट करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा अवेलेबल है सर, जैसे आप हमारे लिए थे हम आपके लिए। Thanks for your words, Simon sir. Bye bye. Thank you.